पंजाब में मुफ्त बिजली का वादा आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने मुफ्त की खिचड़ी बांटने के वादे भले ही कर दिए हों, पर सत्ता में आते ही अब उनको असल औकात का अंदाजा होने लगा है। क्योंकि राज्य के पास देने के लिए मुफ्त बिजली तो छोड़िए, अभी बिजली ही नहीं है, और अब बिजली ही नहीं बल्कि पानी को लेकर भी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हालत यह है कि लुधियाना में बिजली कटौती और पानी की किल्लत ने लोगों को सड़कों पर ला दिया है। पटियाला के लोगों ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। शहर के गली मोहल्लों में सरकार के खिलाफ नारेबाजियां होनी शुरू हो गई हैं, जो कहीं ना कहीं भगवंत मान सरकार के लिए आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ा सकती हैं। पटियाला में आप सरकार के खिलाफ कई जगहों पर मार्च निकाला जा रहा है। आम लोग आप विधायक और आप पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और उनके खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं। लोगों का आरोप है कि वादों से इतर अब आपके जनप्रतिनिधि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। EWS कॉलोनी के लोगों ने आम आदमी पार्टी विधायक दलजीत सिंह ग्रेवाल भोला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यहां लोगों ने पूरा ताजपुर रोड जाम कर दिया और सरकार विरोधी नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि उनके घरों में वैसे तो पीने का पानी कभी आता नहीं, यदि पानी आ भी जाए तो पानी दूषित आता है। इस मामले में वो कई बार विधायक दलजीत सिंह भोला से मिले, लेकिन भोला हर बार उन्हें समस्या का हल निकालने का आश्वासन देकर चलता कर देते। इलाके की समस्या ज्यों की त्यों पड़ी है, ना ही इलाके में बिजली सप्लाई सही से चल पा रही है। पूरी रात लोग गर्मी में यूं ही बिता रहे हैं। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इलाकों के लोगों की खबर लेने कभी विधायक इलाके में नहीं आते। लोगों का जीवन स्तर नरकीय हो चुका है। बच्चों को जब सुबह स्कूल जाना होता तो पानी नहीं आता, जब पढ़ाई करनी होती तो बिजली नहीं रहती, नलों में दूषित पानी आ रहा है। लोगों ने कई बार विधायक भोला को इस मामले में अवगत कराया, लेकिन लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। वहीं अब यहां लोग बिजली की कटौती से भी परेशान हैं। रात के समय गर्मी से बुरा हाल है, छोटे बच्चे पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं। सरकार ने जो लोगों से वादा किया था, कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि विधायक को यदि फोन करो या कोई समस्या बताओ तो वो खुद मौका देखने की जगह अपने भाई को भेज देते हैं और उनका भाई भी सिर्फ खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। बहरहाल राजनीति बदलने की बात करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता अपने सारे वादे अब भूल चुके हैं। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया।